तो गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मोटर व्लॉगिंग करना चाहते हैं और जो अभी सोच रहे हैं कि हम नया चैनल बनाएंगे और मोटर व्लॉगिंग करेंगे, तो जो भी मोटर व्लॉगिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। काफ़ी हॉपफुली होने वाली आपके लिए वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान अहमद व्लॉग। ओके, सो आज गाइस हम बात करेंगे कि हम अपने हेलमेट पे मोबाइल से कैसे मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की थी और अभी हम इनको अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि क्या क्या हमने मंगवाया है जो मोटो व्लॉगिंग के लिए ज़रूरी है। तो मैंने ये कुछ 1200 का मंगाया है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फिर दिखाओ। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये एक बैग है, इसमें होगा और ये हम एक मेरा है। इसके ऊपर माउंट तो है नहीं, ये ज़रूरी है। हम देखते हैं हम इसमें, और गाइज को आप देख सकते हैं ये रहे इनके माउंट जो हमें चाहिए थे, ये कितने बड़े थे। ये हो चुका है पूरी तरीके से खाली। इसमें हम वो लेंगे जो हमें इस हेलमेट के यहाँ पे लगाना है और जिसमें फोन हम माउंट कर सकते हैं जिससे कि हम फोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस पहले हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की जो हम हेलमेट के इस जगह पे लगाएंगे, के बाद इसके साथ दिया हुआ है ये टेप, पर हम ये लगाएंगे नहीं क्योंकि ये किसी भी टाइम निकल सकती है, तो इसलिए हम इसको MCL से चिपकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने MCL से इसको पहले ही चिपका दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा सूखने में टाइम लगा था, तो इसलिए मैंने इसको पहले से चिपका दिया था और ये MCL लगाई थी मैंने। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, माउंट ये इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे माउंट। तो मैंने ये जो मंगवाया था उसके साथ मैं माउंट नहीं मिला था, तो मैंने उसके लिए एक अलग से ऑर्डर किया था और इसके साथ माउंट भी है, ये वाली जो है ये हमें लगेगी फोन को सपोर्ट करने के लिए। और एक ये है, पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब हम लगाएंगे हेलमेट पे, तो ये और ये जो ये एक साथ में नहीं आते, मैंने ये अलग से किया है और ये अलग से किया है। पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसमें, ये देखिएगा ये स्क्वाइज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब तो ये स्क्रू इसके साथ मिले थे मुझे, अब मुझे इंस्टॉल करना है ये वाला, ये आपको दिखा देते हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे हम ऐसे, इसको लगाएंगे स्क्रू, आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है इसमें। इसको आप जितना चाहे तो टाइट कर सकते हैं, अब ये हिलेगा नहीं, जितना ज़्यादा टाइट करोगे उतना ये उठता जाएगा, ये देख सकते हैं। अब इसमें हमें लगाना है माउंट, ये हमारा माउंट इंस्टॉल हो चुका है।
अभी हम इसमें लगाना हमने फ़ोन, और आप इसको चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं अगर इसको चाहें तो। इसके बैक साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगने का जगह है, आप इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसे उस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं तो इस तरीके से नहीं करूँगा, मुझे करना पड़ता है। हो गया हमारा फोन इंस्टॉल, इसमें हम लगाएंगे फोन बंद। तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे इसको इस तरीके से। ये हो गया इंस्टॉल, इस पर हम लगाएंगे फोन। देख सकते हैं आप इंस्टॉल हो चुका है और फोन गिरने का तो कोई मसला ही नहीं। और आप ये भी देख सकते हैं, ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये NCL से मैंने पूरी रात लगा के रख दिया था, सूख चुका है, अब ये निकलेगा नहीं। अगर निकलेगा तो ये वाला इसका जो पूरा पोर्शन है ये निकल जाएगा, तब तक ये नहीं निकलेगा। और आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। ये हो गया हमारा सेटअप कम्प्लीट, उसके बाद में आपको बताता हूँ इसमें जो माइक का सिस्टम है वो कैसे इंस्टॉल करें, वो भी मैं बताता हूँ आपको। और मैंने ये माइक ऑर्डर किया, ये वजह देख सकते हैं, ये आई थिंक 200 GB थी मैंने। अब इसको कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, पहले इसको यहाँ से खोल लेते हैं। एंड ये देखो ये बहुत लंबी है, अगर वहाँ से यहाँ तक भी आए तो भी चलेगा। इससे पहले हम इसको करेंगे इसमें इंस्टॉल, एंड जो इसकी वायर है वो सारी हम इसके यहाँ अंदर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह है, इसमें करेंगे ताकि वायर बाहर ना आए। हम सिर्फ ये रखेंगे वायर, और जो भी है पूरा इसको यहाँ से अंदर कर देंगे ताकि ये बाहर ना आए बार बार। इतने हमने कर दिया है एडजस्ट, ये देख सकते हैं आप, इसमें होगी ये एडजस्ट। और अभी हम इसको लगाएंगे, तो भाई बहुत अच्छा ये हो गया है सेट, अभी ये निकलने का कोई मसला नहीं है। ओके तो गाइज अभी आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम छोटी सी राइड करेंगे इस पर और आपको बताएंगे कि ये इसकी वीडियो जो ओके तो गाइज आप देख सकते हैं ये लाइक पूरा गोप्रो वाला सीन दिखा रहा है। एंड अभी इसको थोड़ा सा भगाते हैं, देखना ये कितनी भागती है। तो अरे भाई साहब, भाई साहब बहुत तगड़ी भागती है भाई ये भी। एंड अभी हम थोड़ा सा ही जाएंगे आगे। अरे यार ये कहाँ गया, पीछे हो जाए। तो भाई अगर आप गोप्रो से, आप मेरे हिसाब से तो आपका मोबाइल जो माउंट है वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें भी अच्छी वीडियो बनती है। और अगर आप देखें तो बिल्कुल किसी, अरे यार बिल्कुल हेलमेट में भी किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और ना ज़्यादा लग सकता है ना कुछ। एंड अभी इसको थोड़ा सा और भगाते हैं, देखते हैं कितना तक भागता है ये। अरे भाई साहब शिट, अगर आप कम पैसे में आप अगर मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेटअप ज़्यादा इजी रहेगा। 400-500 का ये आपका सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 400-500 नहीं 600-700 तक हो जाएगा। तो गोप्रो से आप बच जाएंगे। और भाई आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं नीचे कितना अच्छा व्यू है, ठीक है ये देख सकते हैं। और ये नीचे नदी देख सकते हैं, यहाँ रुक जाते हैं।
तो भाई ये रहा हमारा बीस्ट पूरी तरीके से, ये अभी न्यू लिया है कुछ टाइम पहले, बट जो मैंने लेना है तो वो ये नहीं है, वो एक सरप्राइज होगा आपके लिए। तो उसके साथ भाई क्या क्या रिएक्ट हो रहा है। तो भाई ये मेरी नहीं है, ये मेरे भाई की है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। ये हमारी रही बीस्ट, और अभी हम यहाँ से वापस निकलेंगे, कुछ और काम भी बहुत निपटाने हैं, तो अभी चलते हैं घर वापस। तो क्योंकि कैमरा लगाओ तो लोगों का रिएक्शन देखने में जो मज़ा आता है ना भाई साहब, वो बोलने के लायक है। और मोबाइल को गिरने की कोई चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा माउंट जो है अच्छे तरीके से मैंने सेट कर दिया इसको। अबे यार कहाँ आ रहा है, पीछे चल। अभी ये हमारे आगे देखो ट्रक लगा हुआ है। अरे भाई साहब अभी हम निकलते हैं यहाँ से, इससे आगे तो भाई ध्यान से थोड़ा सा भगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। अरे भाई साहब गाड़ी रोड में किधर लगा दी। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके okay.